टेम्परेचर मीटर किसी फार्मर के पास अगर नहीं होता है तो वो कैसे देख पाएगा कि अपने फार्म में टेम्परेचर अच्छे से है या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या होता है, बच्चे का मूवमेंट देखिए कि बर्ड्स का मूवमेंट क्या कर रहा है। अगर बर्ड्स कोना पकड़ रहा है, बर्ड्स को अपन डिस्टर्ब कर रहे हैं, दोबारा फिर कोना पकड़ रहा है, इसका मतलब फार्म में जो है टेम्परेचर प्रॉपरली नहीं है। तो करना है तो उस चीज़ पे करना है कि अपना टेम्परेचर जो है अच्छे से रहे, 85 से 90 के बीच में भी रहेगा तो अपन मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि कंपनी का जो है मानना है कि 90 से 95 होना चाहिए, बट इतना हो नहीं पाता है और इतना कर भी लेते हैं दोस्तों तो फिर उसको धीरे धीरे उस माहौल में ट्रीट नहीं कर पाते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे खुशी पोल्ट्री ब्लॉग्स में। दोस्तों आज फाइनली बर्ड्स आने वाले हैं और कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं, तो बर्ड्स आने से पहले क्या हमको तैयारी करनी चाहिए वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। बर्ड्स आने के बाद में अलग से मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी बर्ड्स आने से पहले अपन को क्या तैयारी करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मैंने फार्म में किस तरीके से पैकिंग करी है और क्या क्या मैंने उपकरण लगाए हैं जिससे अपना टेम्परेचर मेंटेन हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको जो है फार्म विजिट कराता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये अपना गोडाउन है फीड का, जिसमें अपना फीड आ चुका है और 53 बैग्स आए हैं जिसमें एक नंबर दो नंबर दोनों आए हैं। ठीक है दोस्तों, और अब आपको शेड दिखाता हूँ। देखिए ये अपने पूरे शेड की सिर्फ मैंने इतना सा स्पेस रखा है, बाकी पूरे को मैंने सीलिंग कर दिया है कम्प्लीटली। अंदर क्या पैकिंग है, क्या चीज़ है वो अंदर चलने के बाद बताऊंगा। दोस्तों होता क्या है ना कि अपन बर्ड्स आने से पहले ये छोटी छोटी तैयारी अगर कर लेते हैं तो बर्ड्स आने के बाद में लेकर टेम्परेचर को लेकर के अपन को परेशान नहीं होना पड़ता है। तो जो ये 5-10 दिन अपन को मिलता है उसके अंदर बिल्कुल सावधानी से अपन को पैकिंग करनी चाहिए। मैंने बारीकी से देख लिया कहीं कोई छेद वगैरह तो नहीं है, यूँ हल्का फुल्का तो रह भी जाता है दोस्तों, लेकिन अपनी कोशिश पूरी करते हैं कि जो है पूरी पैकिंग करें। ठीक है दोस्तों, अब इधर जो है पूरा शेड्यूल तैयार है। मैंने गुड़ और मीठा सोडा जो है मिला दिया टंकी में, ये देखिए, और अपने ड्रिप सिस्टम जो है निप्पल वाला है उसमें से चालू कर दिया। ठीक है दोस्तों, पहले जो पानी था उसको हमने निकाल दिया, अब आपको शेड के अंदर लेके चलता हूँ। ठीक है ना, ये फर्स्ट लेयर है दोस्तों, इस लेयर को हटाएंगे, ये आ गया, और फिर ये स्पेस दिया मैंने, ये स्पेस दे के फिर अंदर फिर तिरपाल लगाया। अभी ये खुला है क्योंकि अभी बर्ड्स अपन उतारेंगे ना उसके लिए। ठीक है दोस्तों, और ये अंदर का टेम्परेचर देखिए आप। ठीक है दोस्तों, ये मेरा बैठने के लिए खाट लगा दिया है मैंने, फीड का बैग ऑलरेडी मैं ला के रख दिया है। मेरी होने वाली सारी तैयारियाँ मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये एक पीपा लगाया है मैंने जिसके अंदर देखिए आप कोयले चालू कर दिए हैं मैंने, और ईट रख के फिर लगाया ताकि बर्ड्स कोई भी इसके टच नहीं हो। ठीक है दोस्तों, और ये मटकियाँ हैं कोयले की जिसमें मैंने चालू कर दी है, अभी इसका प्रोसेस चालू है। और फिर आगे देखिए आप, बीच बीच में वो लगा दिया मैंने, ये ब्रूडर भी लगाए हैं, 4 मेरे ब्रूडर हैं, इलेक्ट्रिक ब्रूडर हैं सर। और मटकियाँ आप देख पा रहे होंगे, मैंने कितनी मटकियाँ लगाई है वो भी आपको बता देता हूँ, ये एरिया भी आपको एक बार बता देता हूँ। दोस्तों एरिया की जो चौड़ाई है वो है 40 फीट, 20 फुट का एक अपना है, 20 और 20 40 फुट, ये हो गया 36 फुट चौड़ा है। तो 40 × 36 फुट अपना एरिया है, और अभी फिलहाल की कंडीशन में टेम्परेचर जो है 85 डिग्री टेम्परेचर है। नाइट में टेम्परेचर मेरे जो है यहाँ पे 55 चला जाता है बिना उपकरण चलाए। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज़ मैंने नोट करी थी नाइट में, और अभी जो है मैं इसकी तैयारी में लगाऊँ। तो दोस्तों टोटल अपने जो 6 मटकियाँ अपन ने रखी है, और 3 अपने पीपर रख दिए हैं, और 4 ब्रूडर हो गए, और 12 हाइलोजन है। ठीक है दोस्तों, और ये जो निप्पल सिस्टम है अपन ने चालू कर दिया है, और अपन को बर्तन तो कोई लगाना है ही नहीं, और ये बेनिफिट अपन को है। और 4 मैंने राउंड बनाए, देखिए यहाँ मैंने पार्टीशन कर दिया है, एक राउंड चौकोर ये है, एक ये आ गया चौकोर, और लाइट चली गई है। ठीक है, अभी आ जाएगी लाइट, कोई नहीं। तो 4 राउंड हमने कर दिए हैं, तो 8 टोटल राउंड बनाए हैं दोस्तों, इसमें डिवाइड करके बर्ड्स को अपन डालेंगे। दूसरा दोस्तों आगे के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अंदर क्या सिस्टम है वो आपको मैं बताता हूँ। ये एक यहाँ पे और लग रहा है पर्दा, ये पूरा पर्दा लग जाएगा, और ये पूरा खाली है स्पेस, फिर ये पर्दा आ गया, और फिर इसके पीछे ये पूरा पैक है, इधर भी सीलिंग पूरी कंप्लीट है दोस्तों, और पूरा चौकोर ये फिटिंग कर रहा ताकि किसी प्रकार की जो है हवा नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी तरफ से जो है पूरी तैयारी कंप्लीट है, और अब जब बर्ड्स आएंगे दोस्तों तो बर्ड्स आने के बाद में जो है बर्ड्स को अपन डालेंगे इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और इंतजार की घड़ी ख़त्म होगी दोस्तों, और ये देखिए अपनी फाइनली चिक्स की गाड़ी आ चुकी है और अपने फार्म पे बेक लग रही है। ये देखिए दोस्तों, ये अपने बर्ड्स आ चुके हैं, और अब जो है अपन गाड़ी को लगवाते हैं दोस्तों।
साहब कतरे पे चले? ये आए हैं साहब 4400। वाह मौज कर दी। तो तो दोस्तों फाइनली बर्ड्स जो है आ चुके हैं और नीचे हमने उतार दिया है, और अब आपको जो है मैं दिखाता हूँ कि बर्ड्स की एक्टिविटी। देखिए बर्ड्स अच्छे से जो है ड्रिंकिंग कर रहा है। अभी तक मैंने फीड नहीं दिया है दोस्तों, फीड अब देंगे। और आप मैनेजमेंट देख सकते हैं, 8 बॉक्स में मैंने बर्ड्स को उतारा है। एक बार आपको जो है मैं टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ कि अभी जो है टेम्परेचर क्या हो रहा है। तो चलिए दोस्तों टेम्परेचर मीटर के पास लेके चलते हैं। टेम्परेचर हो रहा है दोस्तों 88.9 अभी का टेम्परेचर है। अभी नाइट को और गिरेगा तो नाइट में और कुछ ना कुछ यंत्र चलाएंगे अपन, ठीक है दोस्तों। अभी ये कंडीशन है बर्ड्स की। देखिए एक बॉक्स में हमने 550 बर्ड्स डाले हैं, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा खाली खाली, ठीक है दोस्तों, इतना टाइट नहीं है। तो अभी अपन फीडिंग करेंगे दोस्तों, फीडिंग करेंगे जब दोबारा हम वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों अब जो है बर्ड्स को अपन फीडिंग कराना चालू करा रहे हैं, क्योंकि नीचे उतार दिया है। टेम्परेचर अभी जो है 88 पर ही है और फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब अपन पेपर फीडिंग उस साइड में तो मैंने डाल दिया है, इस साइड में डाल करके फिर दोबारा जो है अपन बर्ड्स को एक बार डिस्टर्ब कर देंगे, ताकि सारे बर्ड जो है फीडिंग खाना चालू कर देंगे। अच्छी बात दोस्तों, पेपर जो है मैं बहुत हार्ड लेकर आया हूँ, इससे भी ज़्यादा, तो ये लॉन्ग टाइम चलेगा, 4 दिन तक अपन रखेंगे पेपर को। दोस्तों अगर टेम्परेचर बढ़िया होना तो ऑटोमेटिकली बर्ड्स जो है मूवमेंट अच्छा करेगा, अच्छे से फीडिंग लेगा, अच्छे से वाटर इंटेक लेगा। तो अभी विंटर के सीज़न में ज़्यादा आप उनको ध्यान फोकस करना है, तो उस चीज़ पे करना है कि अपना टेम्परेचर जो है अच्छे से रहे। 85 से 90 के बीच में भी रहेगा तो अपन मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि कंपनी का जो है मानना है कि 90 से 95 होना चाहिए, बट इतना हो नहीं पाता है। और इतना कर भी लेते हैं दोस्तों तो फिर उसको धीरे धीरे उस माहौल में ट्रीट ही कर पाते हैं। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि 85 से 90 के बीच में टेम्परेचर रखना चाहिए, ताकि बर्ड्स धीरे से, जैसे अपना 10 से 15 दिन के बीच में बर्ड्स होता है ना, तो अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सीलिंग खोल के बाहर के एरिया में, ठीक है दोस्तों। अगर ऑलरेडी अपन 90-100 डिग्री टेम्परेचर दे के रख रहे हैं ना, तो उसको उस माहौल में लाने में उनको बहुत ज़्यादा समस्या आती है। बर्ड्स उसके बाद में जो है हेल्डिंग मानता है, बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों 85 से 90 के बीच में भी जरा टेम्परेचर रहता है दोस्तों, तो बढ़िया से अपना मैनेज कर पाते हैं और मॉडलिटी होती नहीं है। बट अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बर्ड्स जो है इकट्ठा नहीं हो रहा। बस देखिए आप देख पाए होंगे बर्ड्स जो ऑटोमेटिकली फीडिंग कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये चीज़ होना जरूरी है। अगर ये चीज़ कर रहा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली शेड के अंदर टेम्परेचर जो है प्रॉपरली है। और अगर आप मान रहे हैं कि बर्ड्स एक कोना ले रहा है, टेम्परेचर मीटर किसी फार्मर के पास अगर नहीं होता है, तो वो कैसे देख पाएगा कि अपने फार्म में टेम्परेचर अच्छे से है या नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या होता है, बच्चे का मूवमेंट देखिए कि बर्ड्स का मूवमेंट क्या कर रहा है। अगर बर्ड्स कोना पकड़ रहा है, बर्ड्स को अपन डिस्टर्ब कर रहे हैं, दोबारा फिर कोना पकड़ रहा है, इसका मतलब फार्म में जो है टेम्परेचर प्रॉपरली नहीं है। तो सबसे पहले टेम्परेचर फोकस है। टेम्परेचर पर कितना भी बनाने की कोशिश करें, चाहे आप मटकी चला रहे हो कोयले में, या फिर आप भट्टी चला रहे हैं, कोई सा भी यंत्र चला रहे हैं आप,
और अगर अपनी सीलिंग और पैकिंग अच्छी नहीं है ना दोस्तों, तो आपका टेम्परेचर बनेगा ही नहीं है। बाहर से हवा अंदर अगर आ रही है तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होएगा। सबसे पहले अपन को पैकिंग पे फोकस करना है, पैकिंग अच्छे से है उसके बाद अंदर का यंत्र चलाना है, ठीक है दोस्तों, तभी जा करके अपना टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है। तो अभी फिलहाल की घड़ी में आपके लिए इतना है दोस्तों, और कल मॉर्निंग में अभी जो मेडिसिन था अभी बता दूँ मैं दोस्तों आपको, मेडिसिन जो है मैंने अभी गुड़ और मीठा सोडा लगाया है निपल में, और अब जो है मॉर्निंग में हम क्या मेडिसिन देंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को जो है आप थोड़ा शेयर करें ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करेगा, तो मैं थोड़ा मोटिवेट होऊंगा और नई नई वीडियो नई नई चीज़ों पे मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को जो है आप ग्रो करने में आप बहुत ज़्यादा भूमिका निभा सकते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, और आप जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ जो है इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोले। ये रिक्वेस्ट मैं आपसे पर्सनली कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप एक मेरी फैमिली हो जिसके वो मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। तो मेरे चैनल को ग्रो करना है उसके लिए जो है आप सब लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।